नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन। भाजपा सरकार फिर से बनाना हम सबका लक्ष्य। तमकुही राज विधानसभा में एक युवा चेहरा भाजपा नेता संजय गुप्ता का जब से इस विधानसभा में एंट्री हुई तब सभी उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिए हैं। जनता की लोकप्रियता हासिल करने में आजकल हर एक व्यक्ति पर संजय गुप्ता का नाम सुनने को मिल रहा है। कारण उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व। सभी लोगों से मिलनसार व्यक्तित्व के धनी संजय गुप्ता इतना कम समय में जनता के दिलों में बस गए। अब जनता भी यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संजय गुप्ता को ही अपना प्रत्याशी बनाए। भाजपा की सरकार ने पूर्वांचल को अनेकों तोहफे देकर इसके विकास की रफ्तार को बढ़ा दिया है। जिस भूमि को सपा व बसपा सरकार बेचने के लिए आतुर रहती थी, वहां इस सरकार ने कारखाना लगाकर लोगों को रोजगार देने का काम किया है। भाजपा सरकार के विकास कार्यों से विपक्षी पार्टियां परेशान हो गई हैं। जिस विकास कार्यों को प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के द्वारा पूरा किया जा रहा है और जिस तरह से आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किया उससे सभी विपक्षी पार्टी परेशान व हताश दिख रही थी और जनता के बीच जाने के लिए उनके साथ कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और अराजकता के पूरी तरह समाप्त हुआ है। सरकार और संगठन किसी गलत का सहयोग नहीं करती है। हम वंशवाद की पार्टी नहीं है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने हर एक वर्गों के लिए कार्य किया है बिना किसी भेदभाव का, उससे जनता बेहद खुश है। और जितनी लोकप्रियता जनता से पार्टी को मिल रहा है उससे यही लगता है कि इस बार 2022 में भी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। संजय गुप्ता, ग्राम रामपुर बंगरा, 336 विधानसभा तमकुही राज। तमकुही विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या लोगों की फीडबैक मिल रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नौजवान जो हमारे मित्र हैं उनका काफ़ी सारा समर्थन मिल रहा है और दुलार प्रेम स्नेह के साथ काफ़ी सारा मतलब लोग समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे विश्वास है कि हम सफल हो गए। दो दशक से भाजपा यहाँ पे अपना जो कमल है वो नहीं खिला पाई, ठीक है। किस उम्मीद के साथ आपको भाजपा अगर टिकट देती है तो आप भाजपा के खाते में ये सीट देंगे और विधानसभा जाएंगे आप? जिस तरह समर्थन मिल रहा है नौजवानों का, हमारे बुजुर्गों का, माताएं बहने का और समाज में, उस समर्थन के हिसाब से हम कमल खिलाने में सफल हो गए और 2022 में सरकार में। आपके तमकुही विधानसभा में मुख्य समस्या क्या है? तमकुही विधानसभा में मुख्य समस्या पहले शिक्षा के ऊपर जोर देना होगा और उसके बाद स्वास्थ्य के ऊपर जोर देना है और व्यवसायी भाइयों के लिए कुछ अच्छा विकास के बारे में सोचना है। 5 साल आपकी सरकार खत्म होने की है और इस बार जो कई तमाम तरह के देखे गए हैं भाजपा के द्वारा जन कल्याण योजना के तहत लोगों की सुविधाएं दी गई हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब जो जनता के प्रति जो चलाई जा रही योजना वो लाभ मिलेगा? देखिए, सरकार ने काफ़ी सारा योजनाएं चलाई है जिसका जनता लाभ ले रही है और जनता के अंदर बहुत खुशी है और जनता एकदम जन समर्थन देने का तैयार है। इसी के साथ साथ 2022 में कमल खिलेगी और सरकार बनेगी। तमकुही में सबसे पहले मुख्य समस्या क्या देख रहे हैं आपके, जो अगर आप विधायक हो तो उसको दूर कर सकें? मुख्य समस्या तमकुही में है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसायी भाइयों के लिए काम करना है और जो कि मेन तमकुही रोड जो बाज़ार है उसमें काफ़ी सारा कंजेस्टेड बढ़ी है। उस कंजेस्टेड को दूर करने के लिए वो बाज़ार के बारे में अलग सा बस स्टैंड और अलग सा एक मार्केट का प्रस्थान किया जाएगा। केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, लेकिन जो तमकुही विधानसभा की जो सड़कें हैं वो देखा जा रहा है काफ़ी वो जर्जर स्थिति में है, जिसपे आम जनता को चलना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें संसद जी की तरफ से बहुत सारे योजनाएँ पास हुई है, काम हो रही है, लेकिन बाकी जो कांग्रेस द्वारा यहाँ पर सरकार है लल्लू जी का, उनके द्वारा कुछ काम नहीं किया गया है, समर्थन नहीं मिल पाया। विधायक जी तो कहते हैं हमने बहुत से विधानसभा में कार्य कराए हैं, सिर्फ वो बोलते हैं ना, काम दिख रहा है सब जनता मालूम बताएगी। तो क्या लग रहा है कि दो दशक से जब यहाँ पे कमल नहीं खिल पाया तो आपको अगर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है और विश्वास जताती है तो इस बार आप कमल खिलाएंगे? जरूर कामयाब होंगे, पिछले 29 सालों से बनवास टूटेगी।